नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्चुअल टेक फैक्ट चंदन में। मैं चंदन, तो अरे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट पावर बैंक के बारे में। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कौन सी कंपनी की पावर बैंक बेस्ट है और साथ ही साथ में आपको कौन सी पावर बैंक लेना चाहिए, 10 mAh या 20 mAh। और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मेरे पास पावर बैंक कैसा है, उसे मैं पिछले 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए आज इन सब करवाए चार्ज होगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपना रिव्यू बता देता हूँ कि मेरा पावर बैंक कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है MI पावर बैंक और इसका फुल नेम है MI 2i 27 mAh, जिसे मैंने पिछले 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ और इसे मैंने परचेज किया था July 2018 में और अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी और उस टाइम इसका कॉस्ट था 1500 रुपये, पर ये काफ़ी बेस्ट पावर बैंक है। लेकिन यदि बात करें इस टाइम तो अब इसका नेम चेंज हो चुका है और अब इसका नेम हो चुका है MI 3i और इसकी कॉस्ट भी कम हो चुकी है, अभी इसकी कॉस्ट हो चुकी है 1400 रुपये। पर ये पावर बैंक काफ़ी अच्छी है यदि आप कोई भी पावर बैंक लेना चाहते हैं 20 mAh में। तो और आगे यदि बात कर लेते हैं 10 mAh में, तो उसके लिए आपको चलिए लेके चलते हैं मोबाइल डिस्प्ले पे और वहाँ आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी की पावर बैंक बेस्ट रहेगी। जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं कि ये है MI 3i 27 mAh पावर बैंक और इसकी कॉस्ट आप सब देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट है 1400 रुपये। और इसकी फीचर्स बता दो तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यहाँ आपको 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा और इसकी जो बैटरी है वो है लिथियम पॉलीमर की। और यहाँ मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं इसमें आपको 2 आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा चार्ज करने के लिए और एक टाइप सी वाला मिल जाएगा। तो ये पावर बैंक काफ़ी अच्छा है, यदि आप 27 mAh में कोई पावर बैंक लेना चाहते हैं। तो यहाँ इसकी कुछ हाईलाइट्स मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पहले ही बता दिए कि ड्यूल इनपुट है विथ टाइप सी के साथ और टाइप सी के साथ साथ ही में आपको देखने में मिलेगा USB पोर्ट भी। और यहाँ आपको पावर डिलीवरी देखने में मिलेगा, इसकी की फीचर्स कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और यहाँ आपको इसमें एक और भी अच्छी फीचर्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ आपको इसके अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेंगे। पहले में आपको मिलेगा 5V 2.4 एम्पियर तक, दूसरा 9V 2 एम्पियर तक और यहाँ से आप अपने कोई भी छोटे डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और भी अच्छी चीज़ बता देता हूँ, मैं इस पावर बैंक का पहले अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ मैंने इस पावर बैंक के कई की फीचर्स के बारे में बताया हूँ, वहाँ से आप इजीली देख कर समझ सकते हैं। और यहाँ स्मार्ट पावर मैनेजमेंट दिया है कि आप इसके बटन को 2 बार प्रेस करके लो पावर कंजक्शन मोड में लेके जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने कोई भी छोटे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये पावर बैंक काफ़ी अच्छा है, यदि आप कोई भी पावर बैंक 20,000 mAh में लेना चाहते हैं तो ये पावर बैंक से आप इजीली कोई भी छोटे या बड़े डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे सारे की फीचर्स इस पावर बैंक के बारे में। और यहाँ मैं एक और भी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यहाँ आपको इस पावर बैंक में 6 महीने का आपको वारंटी भी देखने को मिल जाएगा, यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप इसके सर्विस सेंटर में जाके इजीली बनवा सकते हैं। और यहाँ मैं एक और भी पावर बैंक दिखा देता हूँ आपको 20,000 mAh में, जो कि है रेडमी की और वो जो पीछे वाला था MI का, हालांकि दोनों सेम ही है लेकिन यहाँ आपको प्राइस डिफरेंस देखने को अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये और पिछले वाले MI की कॉस्ट थी 1400 रुपये, यहाँ आपको इन दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आपका बजट लो है तो आप इसको ले सकते हैं इजीली, यहाँ आपको इन दोनों पावर बैंक में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ एक और भी सबसे बड़ी डिफरेंस की बात कर लो इन दोनों पावर बैंक में, तो यहाँ आपको रेडमी में एक फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ आपको MI में एक फीचर्स देखने को मिलते थे कि आप वहाँ से अपने कोई भी छोटे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ एयरफोन हो गए उसको चार्ज कर सकते हैं लो पावर में ले जाके। लेकिन यहाँ मुझे रेडमी में कहीं देखने को नहीं मिला है कि आप वो भी फीचर्स सेट कर जा सकते हैं ताकि आप अपने कोई भी छोटे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो यार इनमें एक सबसे बड़ी डिफरेंस यही थी MI और रेडमी में, यहाँ आपको दोनों के पावर बैंक में एक कॉस्ट की डिफरेंस भी देखने को मिलेगी, लगभग 200 का है। तो यार ये पावर बैंक आपको तभी सही रहेगा यदि आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं, यदि आप अपने स्मार्टफोन को और साथ साथ अपने कोई भी अदर छोटे डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा MI का पावर बैंक जो कि 1400 का था। यदि आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं रेडमी के साथ, ये भी काफ़ी सही डिवाइस है।
और यहाँ मैं आपको कुछ और भी पावर बैंक दिखा देता हूँ जो कि 10,000 mAh में है। जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे एम्ब्रेन के पावर बैंक है, फिलिप्स के पावर बैंक है। तो इसमें आपको सबसे बढ़िया मैं सजेस्ट करके बता देता हूँ कि कौन सा पावर बैंक आपको 10,000 mAh में बढ़िया रहेगा। यहाँ आपको 10,000 mAh में काफ़ी सारे पावर बैंक देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ आपको इसके प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं कि एम्ब्रेन के पावर बैंक कॉस्ट है 500 और यहाँ आपको MI के पावर बैंक में कॉस्ट देखने को मिलेगी 800 रुपये। यहाँ आपको इन दोनों में पावर बैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस चार्जिंग डिफरेंस देखने मिलेगी। यहाँ आपको MI 3i जो 10,000 mAh पावर बैंक है इसमें आपको 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाएगा और वहाँ एम्ब्रेन में आपको सिर्फ 10W मिल रहा था। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले MI की 10,000 mAh पावर बैंक की फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं कि इसमें आपको 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिलेगा और साथ साथ इसकी बैटरी भी लिथियम पॉलीमर की। और यहाँ आपको इसके कुछ और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको टाइप सी इनपुट देखने मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि टाइप सी के साथ 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 आपको microSD पोर्ट भी देखने मिलेगा। तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत देखने में मिलेगी यदि आपके पास microSD चार्जर है तो उससे भी चार्ज कर सकते हैं और साथ साथ यदि आपके पास टाइप सी है तो उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसके एक और भी अच्छी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ आपको डुअल आउटपुट जो इसके पोर्ट है वहाँ आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाएगी और यहाँ इस पावर बैंक की हेल्प से आप अपने कोई भी छोटे बड़े डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके स्मार्ट पावर मैनेजमेंट के साथ यहाँ आप इस पावर बैंक को लो पावर मोड में भी लेके जा सकते हैं और साथ साथ हाई पावर मोड में लेके जा सकते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। और लो पावर मोड से आप अपने कोई भी ब्लूटूथ एयरफोन चार्ज कर सकते हैं और कोई भी छोटी छोटी जो डिवाइस होती हैं उससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स काफ़ी सही है इस पावर बैंक में और यहाँ आप इस पावर बैंक को 4 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे पावर बैंक, यहाँ आप इस पावर बैंक की हेल्प से कोई भी छोटे बड़े डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये पावर बैंक आपके लिए काफ़ी सही रहेगा यदि आप कोई भी फास्ट चार्जिंग में पावर बैंक देखना चाहते हैं। यहाँ आपको इस पावर बैंक में काफ़ी सारे फीचर्स देखने मिले थे। यहाँ आप इस पावर बैंक की हेल्प से अपन कोई भी छोटे बड़े डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ आपको ड्यूअल आउटपुट मोड में फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है। तो यार चलिए मैं कुछ और भी पावर बैंक दिखा देता हूँ आपको। आगे आपको कुछ और भी पावर बैंक दिखा देता हूँ कि कौन सा पावर बैंक आपके लिए बेटर रहेगा 10,000 mAh में। तो यार यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रहा फिलिप्स की पावर बैंक जो कि है 10,000 mAh में और साथ साथ यहाँ आपको 10W इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। यहाँ आप इसकी कॉस्ट देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट है 700 रुपये। यदि आपका लो बजट है तो आप इस पावर बैंक के साथ जा सकते हैं, इस फिलिप्स पावर बैंक के साथ और साथ साथ आप अपने एम्ब्रेन पावर बैंक के भी साथ जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी लगभग 500-600 के करीब में थी। तो चलिए मैं इस फिलिप्स पावर बैंक के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ आपको इस पावर बैंक में भी स्मार्ट पावर बैंक मैनेजमेंट देखने मिलेगा, यहाँ से आप अपने कोई भी छोटे बड़े डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ और भी कई सारे फीचर्स बताए गए हैं जिसे आप अपने कई भी मल्टीपल डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और आगे आपको मैं एम्ब्रेन पावर बैंक की खासियत दिखा देता हूँ। यहाँ भी आपको 10,000 mAh देखने मिलेगा और साथ साथ यहाँ आपको 12W फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगा जो कि फिलिप्स की पावर बैंक से 2W ज़्यादा है। यहाँ इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है, यहाँ इसकी कॉस्ट आपको 500 रुपये देखने मिलेगी। तो ये पावर बैंक काफ़ी सही रहेगा यदि आप कोई भी लो बजट में पावर बैंक देखना चाहते हैं। यहाँ ये पावर बैंक फिलिप्स की पावर बैंक से भी कुछ हद तक सही है। यहाँ भी आपको 10,000 mAh मिलेगा और साथ साथ यहाँ आपको 12W फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगा। तो यहाँ आपको फिलिप्स की पावर बैंक से कुछ अधिक फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगा। तो ये पावर बैंक काफ़ी सही रहेगा यदि आप 10,000 mAh में कोई भी पावर बैंक सर्च कर रहे हैं और साथ साथ यदि आपका बजट लो है तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। और MI जो 3i 10,000 mAh पे है वो भी काफ़ी सही रहेगा यदि आपकी बजट कुछ हद तक सही है। आपके लिए MI की पावर बैंक काफ़ी सही रहेगी, यहाँ से आपको 18W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रही थी MI के पावर बैंक में। तो ये थी सारी पावर बैंक, आपको कौन से पावर बैंक बेस्ट है कॉमेंट सेक्शन जो बताया गया। फाइनली वीडियो बचता था और आगे आपको कौन सा पावर बैंक बेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताएगा। और यदि आप 20,000 mAh में पावर बैंक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेस्ट रहेगा MI का, जिसका नाम फुल नेम है MI 3i पावर बैंक 20,000 mAh। पर ये पावर बैंक काफी अच्छा है, आप 20,000 mAh में लेना चाहते हैं तो वीडियो कैसे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा। और आगे आपको कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।